वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पालक पनीर मिक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 400 ग्राम कम से कम पालक की प्यूरी हमें तैयार करनी है, और उसी के साथ में 1 कप या 150 ग्राम आप जो है टमाटर की प्यूरी तैयार करके रख लें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को बॉईल कर लेना है। पालक को हमें 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। उसके बाद में हमें इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। पालक में पहले से नमक होता है तो आप नमक स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा नमक डाल भी सकते हैं। इसी के साथ में 2 हरी मिर्ची डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसका अच्छा सा जो है वो पेस्ट तैयार करना है, जिसको हम पालक प्यूरी बोलेंगे। तो आप पहले से ये सारी तैयारियां कर लें। तो सबसे पहले हमने तैयार कर ली हमारी पालक प्यूरी। सेकंड नंबर पे हमें तैयार करनी है टोमेटो प्यूरी। उसके लिए टमाटर को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, इसकी स्किन उतार ली है, इसको अच्छे से हमें जो है पीस लेना है और फिर इसका भी पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद पालक पनीर मिक्स का पैकेट मुझे 20 रुपीज़ में मिल गया था, एंड इसके पीछे इसके इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। अभी इसके ऊपर MRP 40 रुपीज़ लिखी हुई है। अब हम इसको कट करके देख लेते हैं। इसके अंदर का जो मसाला है वो हमें एक बाउल में निकाल लेना है। इसी के साथ में हमें इसे 1 कप नॉर्मल पानी में मिक्स कर लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारा सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका है। पनीर के टुकड़े भी कट करके मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद में हमें एक कढ़ाई को गर्म करना है 1 चम्मच तेल डालकर। इसके बाद में हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। इसे हमें कम से कम जो है वो 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हैं तेल छोड़ने लग गया है। ठीक इसी के बाद में हमें पेस्ट डाल देना है। पेस्ट को आपको तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में जो है आपने पालक प्यूरी तैयार करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब आपको तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में। ये सारा पैकेट के पीछे आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है और इसी के साथ में पनीर के टुकड़े डाल देने हैं। अब इसको गाढ़ा होने तक हमें इसको ऐसे ही पकाते हुए रहना है मीडियम फ्लेम पर। जितना गाढ़ा आपको चाहिए उस हिसाब से। तो ये बनके एकदम तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारी पालक पनीर मिक्स बनके एकदम तैयार है। आप इसको नान, रोटी, जिसके साथ भी आपको पसंद हो बना के खाएं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।